मेरे कार्यक्रम की जो मुख्य अतिथि हैं और बहुत दूर से चल के आई हैं। उत्तर प्रदेश वैसे तो नोएडा से शुरू हो जाता है, लेकिन जहाँ से बहन जी आई हैं वो तो काफ़ी दूर है। तो हमारी मुख्य अतिथि महोदया माननीय स्वाति सिंह जी, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। और आपने देखा होगा, सुना होगा बहुत ज़्यादा आपने, इनकी वाणी में जो ओज और तेज है उसको सुनकर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। और वैसे भी जब कभी आप इलाहाबाद साइड में जाओगे, लखनऊ की साइड में जाओगे, तो इनके नाम के आगे वीरांगना स्वाति सिंह लिखा जाता है। तो ये बहुत बड़ी आपकी पहचान है, आपके वाणी से, आपके कर्मों से। और आप जो है निरंतर मंत्रालय जो बहुत संभाल रही है, कृषि विपणन मंत्रालय, कृषि विदेश व्यापार मंत्रालय, महिला कल्याण मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्रालय, बाढ़ नियंत्रण मंत्रालय और एक NRI मंत्रालय। तो मुझे लगता है कि महिला इतने मंत्रालय आपके पास हैं। और ये मंत्रालय ऐसे नहीं मिल जाते, हमारी पात्रता होती है तभी हमको मिलते हैं। तो बार बार महिलाओं के कल्याण के लिए, शिशु के कल्याण के लिए, मातृ कल्याण के लिए, परिवार कल्याण के लिए, तो इतने बड़ी कल्याण की प्रतीक हैं आदरणीय बहन स्वाति सिंह जी का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। और हम सब लोग अब इनको एक बार सुनेंगे। सर्वप्रथम आज रानी लक्ष्मीबाई जयंती सम्मान समारोह जो प्रकाशा फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया है, इस कार्यक्रम में आज रानी लक्ष्मीबाई की जयंती है, सर्वप्रथम मैं उनको नमन करती हूँ। और उसके बाद इस सभागार में जितनी भी रानी लक्ष्मीबाई मुझे सामने दिख रही हैं, आप सबको मैं नमन करती हूँ, चाहे वो मंच पर इस कार्यक्रम में उपस्थित और ओजस्वी वक्ता जिनको अभी आप लोगों ने सुना, जिनको सुनकर रोंगटे खड़े हो गए थे, ऐसी हमारी मोनिका अरोरा जी जो वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे प्रकाशा फाउंडेशन के चेयरमैन श्री शरद श्रीवास्तव जी, जिन्होंने पहले ही बताया कि स्वाति मैं उनकी छोटी बहन हूँ, उन्होंने इसी तरीके से मेरा परिचय कराया कि स्वाति मेरी छोटी बहन है, ऐसे मेरे बड़े भाई जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया है, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राजेश झा जी, जो बोलते भी अच्छा हैं और दिखते भी अच्छा हैं और हमेशा खुश मिजाज लगते हैं, और हमारे समाज सेवी श्री प्रमोद श्रीवास्तव जी, जिनका योगदान आज मुझे लगता है यहाँ मैं खड़ी हूँ तो उसमें कुछ अंश आपका भी है। और यहाँ जो मन से मंच का संचालन कर रहे हैं ऐसे डॉक्टर देवेश जी, जब मैं अपनी बात कहूँगी इस मन से तो इनकी भी चर्चा ज़रूर करूँगी थोड़ी सी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जब मैं उनके जीवन में झांकती हूँ, उनका जन्म 1828 में हुआ था, मात्र 4 वर्ष की आयु थी तो उनकी माता जी की मृत्यु हो गई, 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो गया, लेकिन उनके पिता ने उनको बहुत अच्छी शिक्षा दी थी, किताबी शिक्षा के साथ साथ उनको आत्मरक्षा, घुड़सवारी, घेराबंदी तक की शिक्षा उन्होंने दी थी। लेकिन उनका विवाह हुआ मात्र 14 साल में और उनके पति की मृत्यु भी हो गई बहुत जल्द, उस बीच में उन्हें एक बेटा भी हुआ, एक पुत्र भी हुआ, उस पुत्र की भी मृत्यु हो गई। और कहीं ना कहीं उनके पति के मृत्यु होने में जो एक आघात लगा था उनके पति को, जो उनके बेटे की मृत्यु हुई थी, उसी दुख को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो धीरे 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 करते करते एक दिन समय आया जब उनकी मृत्यु हुई और रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई। वो इस देश के लिए, अपने राज्य के लिए लड़ते लड़ते 1858 में
उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी वीर गति को वो प्राप्त हुई। जब मैं उनके जीवन में झांकती हूँ तो मैं ये पाती हूँ कि पूरा जीवन ही उनका संघर्षमय रहा, पूरे जीवन भर वो संघर्ष करती रही। और जब मैं आज की महिलाओं के जीवन में झांकने की कोशिश करती हूँ तब भी मुझे यही दिखता है कि वो तो पूरे जीवन भर संघर्ष ही कर रही हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक नारी हूँ, मुझे गर्व है कि मैं एक बेटी हूँ, मुझे गर्व है कि मैं एक बहन हूँ, मुझे गर्व है कि मैं एक पत्नी हूँ, एक बहू। लेकिन मेरी स्थिति देखिए, जब मैं माँ की कोख में आती हूँ तो मैं डर डर के जीती हूँ कि पता नहीं मेरा जन्म होगा या नहीं होगा। मेरी स्थिति देखिए, अगर मैं पैदा हो जाती हूँ तो जीवन भर एक भाई की बराबरी करने की कोशिश करती हूँ पर वो अधिकार मुझे कभी नहीं मिलता है। मेरी स्थिति देखिए, मेरा विवाह होता है, मैं अपने ससुराल जाती हूँ, जिन सपनों को सजो कर जाती हूँ वो शायद सपने कभी पूरे नहीं होते। मेरी स्थिति देखिए, जिस सास में मैं माँ को खोजती हूँ शायद मुझे वो माँ नहीं मिलती। मेरी स्थिति देखिए, जिस बच्चे में मैं अपना भविष्य देखती हूँ शायद वो भविष्य मुझे कभी मिलता नहीं। ये एक नारी की कहानी है, ये इस देश की नारी की कहानी है। मैं इतिहास नहीं बोलूँगी क्योंकि अभी मोनिका दीदी ने इतिहास को बता दिया। उन्होंने ज़रूर वर्तमान को भी छुआ और बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और मुझे लगता है कि इस देश की हर बेटी, हर महिला झांसी की रानी है। सिर्फ संघर्ष के लिए ही नहीं, हम हर लड़ाई लड़ सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो ताकत है, हम हर लड़ाई लड़ सकते हैं। अभी मैंने आपकी बात बोली कि मैं आपकी चर्चा ज़रूर करूँगी क्योंकि यहाँ पर आपने किसी बात पर बोला कि सोने को अग्नि में तपाए बिना सोना नहीं बनता है। और मैं सोचने लगी, हम अभी और कितना तपेंगे, इस देश की नारी अभी और कितना तपेगी। हम तो माता सीता के टाइम से तप रहे हैं, द्रौपदी के टाइम से तप रहे हैं, झांसी की रानी के समय से तप रहे हैं। ये कब पूरा होगा और इस समाज को कब सोना मिलेगा, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं। और वो इंतज़ार कब पूरा होगा? और मैं कहती हूँ हम सब सोना है, और खरा सोना है। और इसलिए खरा सोना है क्योंकि आज हमारे कंधों पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है। आज हम अपना घर भी देख रहे हैं, अपना प्रोफेशन भी देख रहे हैं, अपने बच्चों को भी देख रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, उनको स्कूल ले भी आ रहे हैं, स्कूल छोड़ने भी जाते हैं, स्कूल से ले भी आते हैं, उनके पेरेंट टीचर मीटिंग में भी जाते हैं, घर की सब्जी भी लाते हैं, दाल चावल भी लाते हैं। तो सशक्त कौन है? सशक्त तो हम ही हैं। बस समाज में ऐसी सोच है कि जो सृष्टि के निर्माता हैं, जो इस दुनिया की निर्माता है, जो इस समाज की निर्माता है, आज उसकी अग्नि परीक्षा हो रही है। लेकिन कब तक हम अग्नि परीक्षा देते रहेंगे? ज़रूरी है कि सवाल खड़े करिए। हम गलत नहीं करते हैं कि अग्नि परीक्षा देंगे, और अगर अग्नि परीक्षा कोई मांगता है तो पहले पूछिए कि किस बात के लिए अग्नि परीक्षा, किस बात के लिए अग्नि परीक्षा चाहिए? जो मैंने किया ही नहीं उसके लिए मैं परीक्षा क्यों दूँ? नहीं दूंगी। मैंने गलत नहीं किया इसलिए मैं परीक्षा नहीं दूंगी। और अगर मुझसे परीक्षा मांग रहे हो तो पहले तुम अपनी परीक्षा दो कि इस समाज में हमारी स्थिति को, इस स्थिति को करने वाला है कौन? आज लोग कहते हैं कि हम तो अपने देश में अपनी बेटियों की पूजा करते हैं, और मुझे लगता है हमें पूजा नहीं चाहिए, हमें तो अपना अधिकार चाहिए, बराबरी का अधिकार चाहिए। आप पूजा मत करिए, हमारी इच्छा नहीं है कि आप हमारी पूजा करिए, लेकिन हमें हमारा अधिकार चाहिए, चाहिए हमें हमारा अधिकार इस समाज से, अपने घर से, हमें अपना अधिकार चाहिए। और वो तभी होगा जब एक माँ मजबूत होगी, जब इस देश, इस समाज की नारी मजबूत हो। अभी मोनिका दीदी ने बोला
कि जब बारात दरवाजे पर लग जाती है तो एक फ़ोन आता है कि हमें स्विफ्ट डिज़ायर नहीं, हमें होंडा सिटी चाहिए। मैं कहती हूँ कि अगर कोई मांगता है कि स्विफ्ट डिज़ायर नहीं, हमें होंडा सिटी चाहिए, और वो कहे कि मैं बारात वापस ले जाऊँ क्या, तो कहना चाहिए ले जाओ बारात वापस, ले जाओ बारात वापस, क्योंकि बेटी पैदा करके हमने कोई गलती नहीं किया, हमने कोई पाप नहीं किया। जो तुमने जिस खर्च की तुम बात करते हो कि तुमने अपने बेटे में खर्च किया, उससे ज़्यादा हमने अपनी बेटी में खर्च किया। और हम पैसे नहीं गिनते हैं और ना हम अपनी बेटी को कहीं बेचने गए हैं। तुम तो अपना बेटा बेच रहे हो, तो ले आओ हमारे घर पे बिठा दो, हिम्मत है तो हमारे घर पर बिठा दो। पैसे मांग रहे हो, दहेज मांग रहे हो, तो बेटा तो हम खरीद ही रहे हैं, हमारे घर पे बिठा दो। एक बार जब समाज में ये बात आ जाएगी, तब कोई ये नहीं कहेगा, ना उसकी हिम्मत होगी कि ये कहे कि मैं बारात वापस ले जाऊँ, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं ये कहूँगा कि बारात वापस ले जाऊँ तो पलट के उधर से जवाब आएगा, हाँ ले जाइए, ज़रूरत नहीं है। हमारी बेटियों के लिए बहुत होंडा सिटी वाले खड़े हैं, हम दे नहीं रहे हैं अपनी बेटी को। समाज में हम अपनी बेटियों को इसलिए नहीं छोड़ते हैं, कहते हैं कि मोलेस्टेशन हो रहा है, रेप के केसेस हो रहे हैं। हम क्यों नहीं अपनी बेटियों को इतना सशक्त बनाते हैं कि अगर उसके साथ किसी ने गलत कर दिया तो वो समाज में आकर बोले, उसके घर के लोग उसे रोकते हैं। अगर किसी बच्ची का रेप होता है तो उसके घर के लोग उसे दबाते हैं कि समाज में जाकर मत बोलना, FIR करने मत जाना, नहीं तो बदनामी होगी। आप किस बदनामी से डर रहे हैं? आपको अगर आपकी बेटी से प्यार है, आपको अपने बच्चे से प्यार है, तो उनकी उसकी मन स्थिति समझिए, उसकी मानसिक स्थिति समझिए कि वो किस मन स्थिति में होगी। वो तो ऐसे ही मर जाएगी, उसकी आत्मा तो उसी दिन मर गई होगी जिस दिन उसका बलात्कार हुआ होगा, और जो थोड़ी बहुत उसकी आत्मा बची भी है तो जब माँ बाप ने साथ छोड़ दिया, माँ बाप ने उसको दबा दिया, उस दिन वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। जिस दिन हम अपनी बच्चियों को ये बताने लगेंगे कि समाज क्या कह रहा है ये मत देखो, तुम क्या चाहती हो ये बताओ, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई बहन तुम्हारे साथ हैं, मैं विश्वास दिलाती हूँ कि इस देश का एक एक परिवार उस बच्ची के साथ होगा, मैं विश्वास दिलाती हूँ। ज़रूरी है कि आप अपनी ताकत को पहचानिए, ज़रूरी है कि आप अपनी हिम्मत को पहचानिए, दबने की ज़रूरत नहीं है। और कम से कम कुछ नहीं तो मैं तो बार बार ये कहती हूँ, इस देश में जाति और पता नहीं धर्म क्या क्या बातें होती हैं, मैं कहती हूँ इस देश में, हमारे देश में नारी जात अलग जाति है। हम ना हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं, हम तो नारी हैं। अगर कोई हिंदू है उस घर में भी नारी को प्रताड़ित किया जा रहा है, मुस्लिम है उस घर में भी, क्रिश्चन है उस घर में भी, सिख है उस घर में भी, तरीका अलग अलग है। अगर कोई मुस्लिम परिवार है तो शायद वहाँ चार पत्नियाँ रहती हैं, कोई हिंदू परिवार है तो पत्नी को बैठकर बोलने की आवश्यकता नहीं है, तुम जाओ अपना पानी लेकर आओ हमारे लिए, हम निर्णय ले रहे हैं। किसी पत्नी से कोई पूछता नहीं होगा कि तुम बताओ तुम्हारा क्या निर्णय, हम वही मान लेंगे। आज मैं आ रही थी यहाँ दिल्ली के लिए, एयरपोर्ट पर बैठी हुई थी, तो एक डॉक्टर साहब थे, उनसे डिस्कशन हो रहा था, ऐसी कुछ बात चली खाना वाने के लिए, तो मैंने बोला कि मैं तो अभी भी खाना बनाती हूँ अपने बच्चों के लिए जब मुझे समय मिल जाता है। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, एंड यू हैव टू डू दिस, यू शुड बी। मैंने कहा क्यों, यू शुड बी क्यों? तो उन्होंने बोला कि वो गलत तरीके से नहीं बोल रहे थे, वो महिलाओं को सपोर्ट भी कर रहे थे। उन्होंने कहा देखिए समाज में ऐसे भी लोग हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, उनके नौकर चाकर ही खाना बनाते हैं, माता पिता को टाइम नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं ये बात नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ माँ का ही काम क्यों है, पिता का काम क्यों नहीं है, पिता भी सहयोग कर दे। एक बच्चा जब जन्म लेता है, बेटा हो या बेटी, माँ अकेले पैदा नहीं करती है। अगर बच्चा अच्छा काम करे तो मेरा बेटा, पिता कहता है, और कुछ गड़बड़ कह दे, तुमने इसको शिक्षा ही अच्छी नहीं दी, तुमने संस्कार अच्छे नहीं दिए, किस संस्कार की बात करते हैं? कहा जाता है कि प्रोफेशन, एक टीचिंग प्रोफेशन है जो महिलाओं के लिए है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि वही महिला टीचर डॉक्टर बनाकर भेजती है, वही महिला टीचर इंजीनियर बनाकर भेजती है, साइंटिस्ट बनाकर भेजती है, इस समाज का निर्माण करती है। लोग ये भूल जाते हैं और कहते हैं टीचिंग जैसा प्रोफेशन तो एक महिला ही कर सकती है। हाँ, हम ही कर सकते हैं, और हमारे जैसा तो कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट हम जानते हैं।
हम जानते हैं कैसे टाइम को मैनेज करना, हम जानते हैं कैसे मनी मैनेजमेंट करना, एक एक मैनेजमेंट हम जानते हैं, कोई और नहीं जानता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब नोटबंदी किया था तो उस समय बड़ी एक बात चर्चा में आई थी कि जितनी पत्नियां हैं उनकी चोरी पकड़ी गई, यही बात हुई थी, मीडिया में भी खूब चल रहा था, पत्नियाँ रो रही हैं। मैंने कहा अरे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बताया कि इस देश की महिलाएं कितनी सशक्त हैं, हम चोरी नहीं करते हैं, हमें तो जो खर्च के लिए पैसे मिलते हैं 20,000-25,000, अगर 25,000 मिलते हैं तो हम 20,000 में ही घर का खर्च चलाते हैं, 5,000 हम बचा लेते हैं, तो वो चोरी कैसा, वो तो मनी मैनेजमेंट है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसी भी महिला की चोरी नहीं पकड़वाई है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर के हर पुरुष को ये बताने का काम किया कि तुम्हारे घर की महिला सशक्त है, तुम्हारे घर की महिला ही सिर्फ मनी मैनेजमेंट कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता है, तुम नहीं कर सकते। और इसीलिए मुझे लगता है यहाँ जितने मेरे भाई बैठे हुए हैं, जितने पुरुष वर्ग के लोग बैठे हैं, आपको पूरा का पूरा पैसा अपनी पत्नियों को देना चाहिए। अब आज से ये काम करिएगा, बिल्कुल जब इस देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो इस देश की बेटियों को, इस देश की माताओं को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस आधी आबादी के साथ हूँ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तो फिर डरने की क्या ज़रूरत है, अधिकार तो अब हमें मिल ही जाएगा, अधिकार तो मिल ही जाएगा। जो सबसे शीर्ष स्थान पर बैठा हुआ है वो कह रहा है मैं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे सर पे मेरा हाथ है, आगे बढ़ो, अपना अधिकार लो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे हूँ। लेकिन अधिकार हमें मांगना है, प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है, अधिकार तो आप खुद ही मांगेंगे। अगर कोई भ्रूण हत्या के लिए बोलता है तो आप बोलिए आप माँ हैं, आप कहिए कि नहीं मैं टेस्ट नहीं कराऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, और बेटा हो या बेटी मैं रखूंगी, वो मेरा हिस्सा है, मेरे शरीर का टुकड़ा होगा, बेटा हो या बेटी 9 महीने मैं पेट में रखूंगी, तुम नहीं रखोगे। जिस दिन एक माँ ऐसे खड़ी हो जाएगी, इस देश की, इस समाज की कोई भी बेटी असुरक्षित नहीं रहेगी, ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। इतनी झांसी की रानी यहाँ बैठी तो है, वो एक मिस इंडिया IAS टॉपर, IPS गोल्ड मेडलिस्ट, अब क्या चाहिए। और यहाँ पीछे भी जितनी बच्चियाँ बैठी हुई हैं, जितनी महिलाएं मेरी बहनें बैठी हुई हैं, सभी झांसी की रानी है, क्योंकि हमारा जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, लेकिन हम हार ना माने हैं और ना आगे हार माने। लेकिन ये तो जिद हमें ही करनी पड़ेगी कि अधिकार तो चाहिए, नहीं दोगे तो छीन कर लेंगे। और मुझे लगता है अब छीनने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी इतनी योजनाएं लेकर आए हैं, तो हमें अधिकार छीनने की ज़रूरत नहीं है। इस देश की हर बेटी IAS बन सकती है, PCS बन सकती है, IPS बन सकती है, डॉक्टर बन सकती है, और गृहिणी बनना भी कोई बुराई नहीं, सबसे अच्छा काम है, आप होम मेकर हैं। पहले हाउसवाइफ कहा जाता था, आप कहते हैं होम मेकर हैं, इस घर को बनाने वाली। जरूरी है कि आप अपनी बेटियों को पढ़ाइए, और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान की शुरुआत की है, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक बेटियां पढ़ेंगी नहीं, इस देश की बेटियां बचेंगी नहीं। और बेटी को बचाना है तो पहले बेटी को पढ़ाइए। दिक्कत यह है कि हम खुद ही, नारी जाति ही नारी का विरोध करते हैं, ये परेशानी है। इस पे इनकी तालियां सबसे ज़्यादा बजी, अभी मैं इनको बोलूँगी तो ये नहीं बजाएंगे। और वो दिक्कत भी इसलिए है क्योंकि समाज में कुछ भाई ऐसे हैं जो उस महिला को मजबूर कर देते हैं। क्योंकि एक माँ अगर चाहे कि वो भ्रूण हत्या नहीं कराएगी, तो ज़िंदगी भर उसे ताने सुनने पड़ते हैं, ज़िंदगी भर वो ताने सुनती है। बच्चा ना हो तो ताने सुनो, बच्चा हो जाए, बेटी हो जाए तो ताने सुनो, बच्चा खराब निकल जाए तो ताने सुनो, बच्चे का एक नंबर कट गया तो ताने सुनो। भैया तुम ही बता दो क्या करें क्या ना करें, आप गाइडलाइंस तय कर दीजिए। लेकिन अगर आप हमारे लिए गाइडलाइंस तय करेंगे तो हम भी आपके लिए गाइडलाइंस तय कर सकते हैं।
अगर पति रात भर घूम कर आए तो उससे कोई नहीं पूछता है, अगर पत्नी एक घंटा भी लेट आए वो कह के जाती है कि मैं अभी आधे घंटे में आ जाऊंगी और उसको 20 मिनट और लग जाएगा तो लोग ये पूछते हैं कि कहाँ गई थी। अगर हमसे आप पूछते हैं और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जवाब दें तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम आपसे पूछेंगे तो हम भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जवाब दें कि आप कहाँ थे। मैं हर इस समाज के अपने समाज के हर बच्ची को हर बेटी को ये बताती हूँ, हर बहन को ये बताती हूँ कि आप गलत मत करिए। गलत क्योंकि हमें तो ऐसे भी अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, ये बताना पड़ता है कि हम बेटों से ज़्यादा अच्छे हैं, हमें ये बताना पड़ता है। क्योंकि माता पिता को ये एहसास तब होता है जब उनका शरीर थक जाता है और उनकी बेटी तब जब उनके पास जाती है, उनकी एक आह करने पर जब उनकी बेटी उनके पास दौड़े दौड़े जाती है तब माता पिता कहते हैं कि बेटी ज़्यादा अच्छी। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि पूरे जीवन तो मैंने उस बेटी को दुखी दुख दिया, उस बेटी को सुनाते ही रहे, उस बेटी के साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन ही करते रहे। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी, अगर हर बुजुर्ग माँ बाप अपने अगले जनरेशन को ये बता दे कि बेटा जो हमने किया तुम नहीं करना, तो इस समाज से डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाएगा और जो जेंडर इनइक्वालिटी वाली जो बात है वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर समाज के दो तबके के लोग बैठे हैं, एक पुरुष एक महिला। कहते हैं कि किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए दोनों की आवश्यकता है, ज़रूरी है कि दोनों सामंजस्य बनाकर चलें, सामंजस्य बनाकर आगे बढ़ें। और जिस दिन हम सामंजस्य बनाकर आगे बढ़ेंगे समाज सशक्त होगा, महिलाएं सशक्त होंगी, हमारे समाज की बेटियां सशक्त होंगी और तब हम डरेंगे नहीं कि अगर हमारे बेटियां घर से बाहर जा रही हैं तो पता नहीं सुरक्षित वापस आएंगी कि नहीं आएंगी। क्योंकि समाज में हर व्यक्ति जानेगा कि अगर मैं इसके साथ गलत करूंगा तो सिर्फ इसके घर परिवार के लोग ही नहीं, पूरा समाज मेरे विरोध में खड़ा हो जाएगा। क्योंकि एक चीज़ याद रखिए, अभी मोनिका दीदी ने कहा था समाज जब आप बदलेंगे तो समाज बदलेगा, बिल्कुल, क्योंकि समाज हमसे बना है, हम समाज से नहीं बने। आप अपनी सोच बदलिए, समाज बदलेगा, देश बदलेगा और दुनिया भी बदलेगा। और ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं कि 2014 के पहले दुनिया की नज़र में भारत की क्या स्थिति थी आप देख सकते हैं, और जब से माननीय मोदी जी ने इस देश के बागडोर को संभाला है आज उस दुनिया की नज़र में भारत की क्या स्थिति है, आप दोनों में आप अंतर कर सकते हैं। ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, ये अंतर है। जब आप अपनी बात को सशक्त होकर पूरे स्ट्रेंथ के साथ रखेंगे तो हर कोई आपकी बात सुनेगा। और जैसे दुनिया में भारत का नाम माननीय मोदी जी ने रोशन किया है, समाज में अपनी स्थिति को आपको खुद ही पाना पड़ेगा। ज़रूरी है कि हम जो मेरी बहनें हैं हम एक दूसरे को बढ़ाएं। अगर भ्रूण हत्या होती तो कोई सामने आके आंदोलन नहीं करता है, तब कोई आंदोलन करने के लिए नहीं आएगा कि क्यों भाई आप क्यों भ्रूण हत्या कर रहे हैं। अगर किसी बेटी का बलात्कार होता है तो समाज के लोग उसे ही 10 गाली देते हैं, कोई ये नहीं कहता है कि उस लड़के को ले आओ जिसने इसके साथ गलत किया है। बल्कि मैंने तो ये देखा है कई जगह ये भी होता है कि उसी लड़के के साथ उसकी शादी कर दो। क्यों कर दो? उसको लाइसेंस दे दीजिए कि जिसने एक दिन बलात्कार किया रोज उसका बलात्कार करे, इसलिए शादी कर दो। तब समाज के लोग कभी विरोध करने नहीं आते हैं कि इस बेटी की शादी उससे नहीं होगी। कोई ना आए, लेकिन अगर हम बहनें ये तय कर लें कि अगर किसी बेटी का बलात्कार होगा तो हम उसका साथ देंगे, किसी बेटी का अगर कोई स्टॉकिंग करता है, कोई मोलेस्टेशन करता है तो हम उसका साथ देंगे, आप देखिए इधर के लोग भी उधर आ जाएंगे। ये मैं विश्वास दिलाती हूँ आप लोगों को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पुरुष वर्ग खराब है। इस समाज में ऐसे भी लोग हैं जहाँ पर बेटियों और बेटों को बराबरी का अधिकार है, और कई जगह तो बेटियों को ज़्यादा अधिकार है, बेटे बेचारे दबे हुए हैं। ऐसे भी लोग हैं, मैं आपको सही बता रही हूँ, मेरे घर में भी ऐसा है। तो इस समाज में ऐसे भी लोग हैं, लेकिन ज़रूरी है कि जो इतने लोग हैं वैसे वो इतने हो जाए, बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपसी सामंजस्य ज़रूरी है, हम एक साथ
मिलकर चलेंगे, सबका साथ सबका विकास की बात करेंगे और सबका साथ सबका विकास में इधर भी सबका साथ उधर भी, सबका विकास इधर भी उधर भी। और मोदी जी ने जो सपना देखा है वो सिर्फ किसी एक वर्ग के लिए, सिर्फ पुरुष वर्ग के लिए नहीं देखे, उन्होंने दोनों के लिए देखा है। चाहे कोई इस देश की महिला हो, बेटी हो, बहन हो, भाई हो, पिता हो, बेटा हो, सबके लिए उन्होंने देखा है, क्योंकि हम सबसे मिलकर समाज बना है। और जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, सब में सब आते हैं, चाहे कोई महिला हो या कोई पुरुष हो। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी, लेकिन एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ, उस पर एक बार गौर करिएगा। इस समाज में लोगों को पत्नी चाहिए, बहू चाहिए, बहन चाहिए, माँ चाहिए, लेकिन बेटी नहीं चाहिए। इसका जवाब कौन देगा? हो सके तो इसका जवाब आप ढूंढ लीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा और मुझे लगता है हर बेटी को अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मंत्री महोदया ने हम सब के बीच में अपने विचारों के अभिव्यक्ति में कई सुझाव, कुछ सुझाव, कुछ बचाव, कुछ शिक्षा, कुछ प्रेरणा, बहुत सारी चीज़ों को मिश्रित करके बताया कि कैसे हम, जो उन्होंने अंतिम में एक बात कही कि बेटी बहू चाहिए, माँ चाहिए, बहन चाहिए, लेकिन बेटी नहीं चाहिए। आज के समय में ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है और हम सब लोग जितने भी सभागार में उपस्थित हैं इस पर चिंतन करें, इस पर मंथन करें कि समाज का यदि एक कोई सा हिस्सा ये दबा हुआ है तो उसको बराबरी का अधिकार दें, उसको सम्मान दें। ये हम सब का एक नैतिक दायित्व है, एक कर्तव्य है। मैं माननीय मंत्री महोदया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आपने आकर इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया। अब एक बहुत सुंदर कार्यक्रम आपके बीच में होने वाला है, रानी लक्ष्मीबाई शौर्य सम्मान। जिन बहनों ने, जिन देश की बेटियों ने अपने मेहनत से, अपनी योग्यता से पूरे देश के अंदर अपना नाम और देश का नाम बढ़ाया है, ऐसी कुछ आज बेटियों को सम्मानित किया जाएगा माननीय मंत्री महोदया के कर कमलों से। सबसे पहले मैं नाम लूँगा, हमारी बहन आई हैं पंजाब से, नवज्योत कौर। एक बार खड़े हो जाएंगे आप, एक बार सब लोग इनके लिए खड़े होकर तालियां बजाएं, खड़े होकर तालियां बजाओ एक बार सब लोग। मैं इनका परिचय दूंगा अभी आपको, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, इधर सामने आ जाओ, परिचय सुनते जाना। इन्होंने कितनी बड़ी उपलब्धि की है, पूरे विश्व के अंदर ये 9वें नंबर पर पहलवान है, 68 किलो वेट, पूरे विश्व के अंदर भारत 9वें नंबर की इन्होंने पहचान बनाई है और अभी अभी एशिया के अंदर, बैठ जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बैठ जाइए, एशिया के अंदर पहली महिला गोल्ड मेडल है ये। अब तक भारत की कोई महिला गोल्ड मेडल नहीं बनी है, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है देश की बेटियों के लिए। आज माननीय मंत्री महोदया, बहन अरोड़ा जी और श्री सरस श्रीवास्तव जी इनको रानी लक्ष्मीबाई शौर्य सम्मान से वो भूषित कर रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई शौर्य सम्मान, जैसे जैसे लक्ष्मीबाई ने अपना नाम देश का बढ़ाया, वैसे इन्होंने भी पूरी दुनिया में भारत का नाम बढ़ाया है। तो इनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पूरे कार्यक्रम का विशेष आकर्षण के रूप में ये यहाँ पधारी हैं, मुख्य आकर्षण के रूप में। इनके साथ में भारतीय कोच आदरणीय भाई परमजीत यादव जी, जो पहलवान हैं, जो कि इनको सिखाते हैं कुश्ती, एक बार वो भी खड़े हो जाएंगे, आपका भी अभिनंदन करना है। परमजीत यादव पहलवान अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण प्रकाशा फाउंडेशन वाला दे दो भैया, प्रकाशा फाउंडेशन वाला आप आगे आ जाइए। आदरणीय परमजीत यादव जी जो कि नवजोत कौर जी के कोच साहब हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। इन्होंने भी 2003 और 4 में भारत का बहुत बड़ा नाम बढ़ाया है, बहुत बहुत अभिनंदन। माननीय मंत्री महोदया जी आपका उत्साहवर्धन कर रही हैं। दूसरा नाम है बहन इरा सिंघल जी का, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी की प्रतीक हैं।
उपलब्धि की प्रतीक हैं, आप मंच पर आ जाएंगी। पहली महिला दिव्यांग आईएएस टॉपर बनी है, इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत। देखिए कैसे देश की बेटी देश का नाम आगे बढ़ा रही है, देश को आगे बढ़ा रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बच भी रही है और बेटी पढ़ भी रही है और बेटी बढ़ भी रही है, कितने सारी चीज़ आगे हो रही है। आप एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। कैसी कैसी हस्तियाँ हमारे बीच में, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। उसके बाद हमारी बहन श्रेया चोपड़ा जी मिस इंडिया रही, एक बार खड़े हो जाएंगी। इन्होंने अपनी सुंदरता से पूरे देश का नाम रोशन किया है, एक बार जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करें, बहन श्रेया चोपड़ा जी। उसके बाद हमारे बीच में आदरणीय भावना गुप्ता जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और ऐसी ऐसी जगह पर पत्रकारिता का इन्होंने आदर्श स्थापित किया है जहां नक्सलाइट हैं, जम्मू कश्मीर, जहां हम लोग सामान्य रूप से भी नहीं जा सकते, वहां ऐसे क्षेत्रों में आप पत्रकारिता के बहुत बड़े उदाहरण हैं। तो इनके लिए जोरदार तालियां आप बजाएंगे कि ये बहन अपना कितना बड़ा योगदान देश के लिए कर रही हैं। हम सभी लोग इनका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करते हैं। सबसे ज़्यादा नक्सलियों के बीच में ये रिपोर्टिंग करती हैं, कितनी बहादुर और वीरता की प्रतीक हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। सब लोग बैठ जाएंगे, हमारे भाइयों से निवेदन है, बस कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है, उसके बाद जलपान का विशेष आग्रह आप सबसे रहेगा। आगे श्रीमती अनुराधा जी हैं, हाँ तो आप कोई प्रतिनिधि आए हैं उनके क्या? हाँ आप ले लीजिए, इसके बाद में देंगे, ठीक है। हाँ हमारे बीच में रीना गड़िया लोहार है, जो कि निःशुल्क रूप से झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को प्रशिक्षित करने का काम कर रही है, जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करिए। ये देश का निर्माण कर रही है, लोग तो बड़े बड़े पैसे लेकर ट्यूशन पढ़ाते हैं, ये निःशुल्क रूप से अपनी सेवाएं देती हैं और उन बच्चों को पढ़ाती हैं जो झुग्गी और झोंपड़ियों में रहते हैं और महाराणा प्रताप की वंशज है। तो ये गौरवशाली इतिहास से जुड़ी हुई, जोरदार तालियों से इनका स्वागत, रीना गड़िया लोहार। और अब हम अंतिम अपने अतिथि के रूप में हमारे भाई शक्ति सिंह, जो कि पूर्वांचल और देश की शान है, इनके लिए जोरदार तालियां। दिल्ली यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष बने हैं अभी अभी, पहले इन्होंने उपाध्यक्ष पद जीता था, लेकिन इनके जो अध्यक्ष जीते थे वो किसी कारण से जब फंस गए तो ये अध्यक्ष पद इनके पास ही आ गया है। तो ये बड़े सौभाग्यशाली हैं, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। बलिया से भाई शक्ति का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।